नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देवभूमि करियर पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज से शुरू करने जा रहे हैं हम उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उत्तराखंड का जो ऐतिहासिक अध्ययन है, किसी भी एग्ज़ाम के लिहाज से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये पार्ट वन आया है प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के हम वीडियो देंगे आपको, और उसके साथ साथ जैसे जैसे इतिहास का डेवलपमेंट हुआ, समय का डेवलपमेंट हुआ, उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलते रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए सबसे खास बात यह है, मैंने आज प्रागैतिहासिक काल की वर्णन के बाद क्वेश्चन आंसर का सेट भी लगाया फ्रेंड्स। ठीक है, हम पहले टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपना आकलन करेंगे कि कितने क्वेश्चन हम सही कर पाते हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से देखिए। इसमें से अमूमन एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूके पीसीएस का हो या यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड का इतिहास पार्ट वन। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आप सभी को जैसा कि पता होगा, उत्तराखंड का जो इतिहास है फ्रेंड्स, पौराणिक इतिहास बहुत ही ज़्यादा क्या है, गौरवपूर्ण है। ठीक है, पहाड़ों, घाटियों, जंगलों और नदियों से युक्त जो हमारा उत्तराखंड है फ्रेंड्स, ये आदिकाल से ही क्या रहा है, तपस्वियों, तीर्थ यात्रियों तथा राजाओं के आकर्षण का एक केंद्र रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो विभिन्न कालों के ही क्रम में हमारा जो पहला काल आता है वो है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे उत्तराखंड से कहाँ कहाँ से इस काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे टॉपिक समझाने की कोशिश की है। मैं हमेशा आपको यही एडवाइस करता हूँ कि आप भी इसी तरह से अपने स्टडी मटेरियल को तैयार कीजिए। देखिए, फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है, जल्दी माइंड में कैप्चर होता है फ्रेंड्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपके साथ हो या ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्रागैतिहासिक काल का जो पहला चरण है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे शुरुआत की जाती है लाखू गुफा से। ठीक है, तो लाखू गुफा या लाखू उडियार फ्रेंड्स, देखिए 1963 में इसकी खोज हुई। ये अल्मोड़ा में स्थित है, बागेछिना के पास एक दल बैंड है फ्रेंड्स, वहाँ पे स्थित है लाखू गुफा या लाखू उडियार भी बोलते हैं इसको। एक बड़ी सी चट्टान है, ठीक है फ्रेंड्स, और वहाँ पे थोड़ा गुफा जैसा स्ट्रक्चर है, और अगर ध्यान से आप देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, रंगीन चित्र उकेरे गए हैं उस चट्टान पे। ठीक है, तो मेन पॉइंट जो है मैंने लिखे हैं, देखिए लाखू गुफा के मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, 1963 में इसकी खोज हुई, अल्मोड़ा में स्थित है, मानव तथा पशुओं के चित्र हैं यहाँ पे, रंगीन चित्र हैं और नृत्य चित्र हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। ठीक है, लाखू उडियार की मैंने मेन फैक्ट दिए फ्रेंड्स। ठीक है, और क्वेश्चनों में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सॉरी, और आपको अभी देख के मिलेगा जब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेट लगाएंगे। ठीक है, अगला फ्रेंड्स देखिए ग्वारख्या गुफा। ठीक है, तो ग्वारख्या गुफा कहाँ पे है, डुंगरी गाय चमोली में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे चटकदार रंगों की चित्रकला प्राप्त हुई है। ठीक है, और मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी व अन्य जानवरों के चित्र भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ग्वारख्या गुफा डुंगरी गांव चमोली में। नेक्स्ट जो प्लेस है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है किमनी गांव। देखिए किमनी गांव, अगर मैं बात करूँ इसकी लोकेशन की, तो यह है चमोली के थराली के पास। ठीक है फ्रेंड्स, इस गुफा में क्या है फ्रेंड्स, देखिए हल्के सफ़ेद रंगों के चित्र प्राप्त हुए हैं, और साथ साथ हथियारों के भी चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि हथियार प्रागैतिहासिक काल में यूज होते थे, उनके भी चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मलारी गांव। तो मलारी गांव से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मलारी गांव देखिए चमोली में एक तिब्बत सीमा से सटा हुआ गांव है फ्रेंड्स। ठीक है, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने क्या किया, 2002 में यहाँ पर कुछ चीज़ों की प्राप्ति की, वो शोध के लिए गए इस स्थान पर, और उन्हें यहाँ पर नरकंकाल, मृदभांड, ठीक है, और जानवरों के साक्ष्य प्राप्त हुए। और इसके साथ साथ जो सबसे स्पेशल चीज़ मिली वो थी 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे 5.2 किलोग्राम सोने का मुखौटा मलारी गांव से प्राप्त हुआ। और बात करें मृदभांड, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहीं पर बताया है कि मृदभांड का अर्थ होता है फ्रेंड्स मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो ये है मलारी गांव। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की तरफ। नेक्स्ट प्लेस है बनकोट। ठीक है, तो बनकोट फ्रेंड्स बेसिकली पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ प्राप्त हुई वो हुई 8 ताम्र मानवों की आकृति। ठीक है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 8 ताम्र मानवों की आकृति राज्य के किस जनपद से प्राप्त हुई है, तो आपको याद रखना है पिथौरागढ़ बनकोट से। ठीक है, अगला प्लेस है फ्रेंड्स हुडली। ठीक है, ध्यान रखेंगे हुडली उत्तरकाशी में स्थित है।
और हुडली में क्या हुआ है, प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, शैल चित्र, भित्ति चित्र, मृद भांड चित्र, इन चित्रों इन चीज़ों में आप अंतर समझिए फ्रेंड्स। शैल चित्र का मतलब होता है जो कि पत्थरों पर उकेरे गए चित्र हैं। ठीक है, मृद भांडों का अर्थ है मृद भांड चित्र होता है जो कि मिट्टी के बर्तनों में उकेरे गए हैं। ठीक है, तो हुडली की जो स्पेशल बात रही फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या है, शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन यही बनता है सीधे सीधे कि किन शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ है, तो वो प्लेस है हुडली, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। अगला जो प्लेस है फ्रेंड्स वो है ल्वेथाप। ध्यान रखेंगे, ल्वेथाप कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में है। यहाँ की जो स्पेशल चीज़ है वो है फ्रेंड्स, शिकार करते हुए मानव का चित्र और सामूहिक नृत्यों के चित्र यहाँ पे प्राप्त हुए हैं ल्वेथाप अल्मोड़ा में। अगला जो प्लेस है फ्रेंड्स वो है पेटसाल। पेटसाल भी अल्मोड़ा में ही स्थित है। यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ प्राप्त हुई है वो है नृत्य करती मानव की आकृतियाँ और शैल चित्र। ठीक है, अगले प्लेस की तरफ बढ़ते हैं जो कि फलसीमा है फ्रेंड्स। तो फलसीमा अल्मोड़ा में ही स्थित है। यहाँ पे जो स्पेशल चीज़ मिली है वो है योग करते मानव की आकृति। ठीक है, योग मुद्रा में मानव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, क्वेश्चन बनता है, तो वो है फलसीमा। अगला प्लेस है फ्रेंड्स रामगंगा घाटी। ठीक है, तो रामगंगा की घाटी, इसका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है क्योंकि रामगंगा आपको पता है विभिन्न जनपदों से होकर बहती है। तो रामगंगा की घाटी में मिले हैं पाषाणकालीन सौ ग्रह के साक्ष्य और कप मार्क्स के साक्ष्य। ठीक है, कप मार्क्स का मतलब भी यहाँ पे उन्हीं चीज़ों से है जो हैंडमेडेड थी। ठीक है, हैंडमेडेड बोलो तो मैं आपको, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं और भी चीज़ें हैं जैसे पाषाणकालीन शस्त्र वगैरह हैं, ये कप मार्क्स में आते हैं। तो सौ ग्रह लोगों को रखा जाता था, सौ ग्रह या सौगार जो मिले हैं वो मिले हैं रामगंगा की घाटी से फ्रेंड्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रागैतिहासिक कालिक जो स्थल हैं। अब लगाते हैं क्वेश्चन आंसर का सेट और देखते हैं आपने इस टॉपिक को कितना एब्जॉर्ब किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए राज्य के किस स्थान से 5.2 किलोग्राम का स्वर्ण मुखौटा प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके ऑप्शन है किमनी गांव, मलारी गांव, हुडली या फलसीमा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको बताया मलारी गांव चमोली से प्राप्त हुआ है 5.2 किलोग्राम स्वर्ण का मुखौटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्थान से नीले रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पेटसाल, ऑप्शन बी फलसीमा, ऑप्शन सी हुडली या ऑप्शन डी ल्वेथाप। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको बताया हुडली, ठीक है, हुडली से मिले हैं नीले रंग के शैल चित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बारहसिंगा लोमड़ी के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बारहसिंगा लोमड़ी के जो चित्र हैं वो कौन से शैल चित्रों में प्राप्त हुए हैं। तो इसका इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्वारखा गुफा, ऑप्शन बी किमनी गांव, ऑप्शन सी हुडली या ऑप्शन डी बनकोट। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ग्वारखा गुफा चमोली से प्राप्त हुए हैं बारहसिंगा और लोमड़ी के चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मानवों की ताम्र आकृतियां राज्य के किस स्थान पर प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए फलसीमा, ऑप्शन बी बनकोट, ऑप्शन सी हुडली या ऑप्शन डी किमनी गांव। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई है 8 मानवों की ताम्र आकृतियां। ठीक है, ताम्र आकृतियों से समझिए फ्रेंड्स, तांबे धातु से बनी हुई मूर्तियां। ठीक है, मानव की मूर्तियां बनी है तांबे धातु से, उन्हीं को बोला जाता है ताम्र आकृतियां। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐतिहासिक मलारी गांव से प्रागैतिहासिक साक्ष्य किस सन में प्राप्त हुए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मलारी गांव की खोज एक हिसाब से मैं बोलूं कि मलारी गांव के जो अवशेष मिले वो कौन से सन में प्राप्त हुए। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2000, सन 2001, सन 2002 या सन 2004। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सन 2002 में। क्या किया, मैंने आपको बताया था गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इस जगह की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हथियारों के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मैंने आपको बताया अभी जब टॉपिक बता रहा था हथियारों के शैल चित्र कहाँ से मिले हैं। तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड किमनी गांव, ऑप्शन बी मलारी गांव, ऑप्शन सी बनकोट या ऑप्शन डी हुडली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए किमनी गांव से प्राप्त हुए हैं हथियारों के शैल चित्र। ठीक है, जो प्रागैतिहासिक कालिक हथियार हैं उनके चित्र मिले हैं किमनी गांव में। अगला क्वेश्चन है सौगार और कप मार्क्स कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सौर घाटी, ऑप्शन बी रामगंगा घाटी, ऑप्शन सी वेद घाटी या ऑप्शन डी मलारी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया टॉपिक में सौगार और कप मार्क्स कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं ऑप्शन बी रामगंगा की घाटी से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार
कहां से प्राप्त हुए हैं? तो हल्के सफेद रंग के चित्रित हथियार कहां से प्राप्त हुए हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए किमनी गांव, ऑप्शन बी पेटसाल, ऑप्शन सी फल सीमा या ऑप्शन डी बनकोट। तो फ्रेंड्स, जो हथियारों के चित्र प्राप्त हुए हैं शैलाश्रयों में, वो मिले हैं किमनी गांव से। ठीक है फ्रेंड्स, तो किमनी गांव से मिले हैं सफेद रंग के चित्रित हथियार। तो फ्रेंड्स, ये था उत्तराखंड के इतिहास पे हमारा पार्ट वन। इसमें हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में सभी इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपोर्टेंट थे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और लाइक देना ना भूलें। चैनल के साथ बने रहिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसा नया वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।